ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है मोहित, ए के ए द 7K मास्टर, एंड ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे. एंड इन दिस वीडियो लेट्स अस गो थ्रू गॉड ऑफ वॉर 4 फुल स्टोरी. एंड ये सब मैं आपको बताऊंगा हिंदी में. एंड गाइस, अगर आपने ये गेम खेल रखा है तो आपको थोड़ी बहुत स्टोरी का पता है, तो इस वीडियो से आपके दो तीन जो डाउट हैं वो सब भी क्लियर हो जाएंगे. तो एक तरह की एक्सप्लेन वीडियो भी होगी ये. तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. एंड ये रही आपकी फुल स्पॉइलर वार्निंग. एंड इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो क्रेटोस अब नॉर्स माइथोलॉजी का हिस्सा है. एंड वो इस माइथोलॉजी में कैसे आया ये इस गेम में नहीं बताया गया है. एंड क्रेटोस का अब 10 साल का बेटा है जिसका नाम है एट्रेयस. एंड इस गेम की स्टार्टिंग में ही क्रेटोस की वाइफ फे की डेथ हो जाती है. एंड एट्रेयस की माँ की आखिरी इच्छा थी कि उसकी अस्थियों को सबसे ऊँची पहाड़ी से नीचे फैला दिया जाए. एंड इसी जर्नी पर यह पूरी गेम बनी है. एट्रेयस जो कि अभी बच्चा है वो सही से लड़ना नहीं जानता. एंड अभी बहुत नरम दिल है वो. एंड क्रेटोस के हंटिंग टेस्ट में एट्रेयस की तबीयत खराब हो जाती है. इसीलिए क्रेटोस उसे घर छोड़ इस सफर पर अकेला जाना चाहता है. लेकिन तभी दरवाजे पर एक स्ट्रेंजर आ जाता है जिसका क्रेटोस को अभी नहीं पता. एंड इस स्ट्रेंजर से फाइट करने के बाद क्रेटोस को यह पता लग जाता है कि अब वो एट्रेयस को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता. एंड दोनों साथ में चलते हैं. रास्ते में क्रेटोस एंड एट्रेयस को ब्रॉक नाम का एक बोना इंसान मिलता है जिसे ड्वर्फ कहते हैं, जो क्रेटोस के पास लेविथन एक्स है उसके बारे में पूछता है. एंड ये एक्स क्रेटोस की वाइफ फे की थी, लेकिन अब इसे क्रेटोस यूज़ करता है. एंड इस एक्स को ब्रॉक ने ही बनाया है. एंड इसी से एट्रेयस और ब्रॉक की थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है. एंड अब आगे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद क्रेटोस एट्रेयस का दोबारा हंटिंग टेस्ट लेता है. एंड यहाँ एट्रेयस न जाने में एक मैजिकल सुअर को अपना तीर मार देता है. एंड ये सुअर मिडगार्ड जहाँ क्रेटोस रहता है वहाँ की जादूगरनी का है. एंड ये जादूगरनी हमें इस सुअर की हेल्प करने को कहती है. एंड इस जादूगरनी को पता है कि क्रेटोस का पास क्या है. एंड क्रेटोस एक गॉड है. एंड सुअर के हेल्प के बदले में वो क्रेटोस और एट्रेयस को एक टैटू भी बना देती है जिससे कि वो मिडगार्ड के लोग लगें. एंड आगे सफर में हम लेक ऑफ 9 पहुंचते हैं. एंड यहाँ पर हमें एक वर्ल्ड सर्पेंट देखने को मिलता है जो कि बहुत बड़ा है, जो कि इतना बड़ा है कि पूरे मिडगार्ड को घेरे बैठा है. एंड ये सर्पेंट एक जायंट प्रजाति का है. एंड जायंट प्रजाति के बारे में गेम में आपको आगे पता लगेगा. एंड ये सरपंच हमारे दोस्त जैसा ही है, लेकिन वो जो लैंग्वेज बोलता है वो हमें समझ नहीं आती अभी. एंड अब रास्ते में हमें फिर से ब्रॉक मिलता है जो हमको मैजिकल स्टोन देता है जिसका नाम है की ऑफ यागड्रसिल, जो कि रेल्म्स के बीच एक शॉर्टकट रास्ता बना देती है. एंड आगे रास्ते में हमें फिर से एक और छोटा बोना मिलता है जो कि फिर क्रेटोस की एक्स देखकर उसे पूछता है कि ये उसे कहां से मिली. एंड ये बोना जिसका नाम सिंड्री है, ये ब्रॉक का भाई है. एंड दोनों ही जादूगर ड्वर्फ हैं. एंड ऑब्वियसली इन दोनों की आपस में नहीं बनती है. एंड ये दोनों मैजिकली कहीं भी आ जा सकते हैं. एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर माउंटेन के चढ़ने के रास्ते में हमें ब्लैक ब्रेथ नाम का जादू देखने को मिलता है. एंड पीछे से वही जादूगरनी हमें यहाँ से कैसे पार जाएं ये सब बताती है. एंड फ्रेया जादूगरनी का नाम है. तो फ्रेया हमें बताती है कि ये जादू सिर्फ एक पवित्र लाइट जिसका नाम है लाइट ऑफ अल्फाइम से ही टूट सकता है. एंड ये लाइट लेने के लिए हमें दूसरी रेलम अल्फाइम रेलम में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जर्नी हमारे लिए सब कुछ है. इसीलिए क्रेटोस एंड एट्रेयस राजी हो जाते हैं. एंड पीछे जब वर्ल्ड सर्पेंट उठा तो एक गोल्डन टेंपल बाहर आता है जिसका नाम फ्रेया टीयर्स टेंपल बताती है. एंड टीयर भी एक गॉड है जिसका हमें गेम में आगे पता लगेगा. एंड ये टेंपल टीयर यूज करती थी ताकि वो किसी भी रेलम में आ जा सके, ताकि वहां पर पीस बनी रह सके. एंड लोग भी इस टेंपल को यूज किया करते थे. लेकिन जैसा आपको पूरी तरह पता लग गया होगा कि मिडगार्ड पूरी तरह से बर्बाद रेलम है. यहां पर हमें रास्ते में जो भी मॉन्स्टर्स मिलते हैं वो एक तरह की भटकी हुई आत्मा होती हैं, जो कि फ्रेया कहती है कि दुनिया का आउट ऑफ बैलेंस होने का नतीजा है. एंड वो बताती है कि किसी ने किसी पावरफुल शक्ति के साथ छेड़छाड़ की है, जो कि क्रेटोस की तरफ एक इशारा है, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर 3 में क्या हुआ आप लोगों को पता ही होगा. एंड फ्रेया हमें यह भी बताती है कि गॉड्स ने उसे किसी भी अदर रैलम्स में जाने के लिए बैन कर रखा है. एंड यहाँ हमें ट्री ऑफ याग्ड्रसिल देखने को मिलता है. एंड फ्रेया हमें बताती है कि ये सारी रैलम्स एक फिजिकल स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं. एंड ये एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है. एंड इस टेंपल से ही हम इन रैलम्स में आ जा सकते हैं. एंड यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए हमें 3 चीज़ों का होना जरूरी है. एंड फर्स्ट है कि रैलम में जाने के लिए उसका फिजिकल टावर. तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, रैलम योटनहाइम का टावर हमें लेक ऑफ 9 में नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ जाने का पहला रास्ता ही नहीं बन सकता. एंड सेकेंड चीज़ है बायफ्रॉस्ट, जो कि एज अ की काम करती है इस टेंपल को चलाने के लिए.
एंड तीसरा है उस रैलम का ट्रैवल रूम, जो कि एक तरह से किसी देश के वीज़े की तरह काम करता है, एंड बायफ्रॉस्ट एक तरह से पासपोर्ट की तरह काम करता है। तो अब हम अल्फाइम रैलम में जाते हैं एंड फ्रेया हमें बताती है कि अल्फाइम लाइट के अंदर खड़े रहकर हमें बायफ्रॉस्ट में लाइट भर सकते हैं। एंड ये कहते ही वो मिडगार्ड वापस पहुँच जाती है, एंड जैसा बताया जाता है क्रेटोस वैसा ही करता है, वो लाइट के अंदर खड़ा रहता है। पर वहाँ पर क्रेटोस को थोड़ा सा फ्यूचर देखने को मिलता है एंड वहाँ पर उसे अपनी पत्नी फे देखने को मिलती है, लेकिन एट्रेस क्रेटोस को लाइट से बाहर खींच लेता है क्योंकि क्रेटोस के लिए सिर्फ सेकंड्स गुजरे हैं लेकिन एट्रेस के लिए वहाँ पर एक दो घंटे गुजर जाते हैं। एंड इसी लाइट में क्रेटोस एट्रेस की आवाज़ें सुनता है कि वो क्रेटोस से प्यार करता है, चाहता है कि क्रेटोस भी उसे प्यार करे। एंड अब क्रेटोस लाइट ऑफ अल्फाइम के साथ दोबारा मिडगार्ड पहुँचता है एंड मिडगार्ड से वो दोबारा उसी माउंटेन पर जाता है एंड इस लाइट के साथ अब वो ब्लैक ब्रेथ को आसानी से पार कर लेता है। एंड अब हम ब्लैक ब्रेथ को पार कर चोटी तक पहुंच रहे होते हैं कि हमें रास्ते में एक ड्रैगन देखने को मिलता है जो कि सिंड्री पर हमला कर देता है एंड एट्रेयस उसे बचाने के लिए क्रेटोस को कहता है। एंड उस ड्रैगन को मारने के बाद सिंड्री एट्रेयस को ब्रेडेड मिसल्टो एरोस देता है जो कि सिंड्री बताता है कि बहुत ताकतवर है एंड एट्रेयस के बो में शॉक वेव्स वाली पावर भी भर देता है। एंड आगे रास्ते में एट्रेयस का बो होल्डर स्ट्रिंग टूटने की वजह से क्रेटोस मिसल्टो एरो की टिप को उसके बो से बांध देता है। Broken quiver will slow your draw. Pain we endure. Faulty weaponry we do not. This will do for now. Good. And now हम finally top तक पहुंच जाते हैं एंड यहाँ हमें फिर से वही stranger मिलता है एंड यही हमें पता चलता है कि उसका नाम Balder है, जो कि Odin का बेटा एंड Thor का भाई है एंड उसके साथ उसके दो भांजे भी होते हैं जो कि Thor के दो बेटे हैं। एंड यहाँ पे इन लोगों ने ममीर को Odin के कहने पर कैद कर रखा है। तो ममीर दुनिया में सबसे समझदार लोगों में से एक है, जिसे हर लैंग्वेज, दुनिया में हर वॉर सबका पता है। एंड उससे बात करते समय एट्रेस उसे बताता है कि हम यहाँ पर अपनी माँ की अस्थियों को सारी रैलम्स की सबसे ऊंची चोटी से फैलाने आए हैं। Oh, then you've come to the wrong place, little brother. The highest peak in all the realms is not here in Midgard. It's in Jotunheim, realm of the giants. No! And Mimir की एक आंख magical है और उन्हें वो Jotunheim का आखिरी ब्रिज दिखाता है, जो कि वहीं चोटी पर होता है। लेकिन इस ब्रिज को एक्टिवेट करने के लिए हमें एक magical chisel and एक secret ruin की ज़रूरत है। एंड ममीर हमें बताता है कि इस रून का पता दुनिया के लास्ट जायंट जो कि वर्ल्ड सर्पेंट है उसको पता होगा। एंड ममीर हमें उसे साथ ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन Odin जो नॉर्स मैथोलॉजी का सबसे बड़ा गॉड है, उसने ममीर की बॉडी को जादू से कैद कर रखा है ताकि कोई भी मैजिकल स्पेल या ताकत उसे बेलों से छुड़ा ना पाए। एंड ममीर कहता है कि क्रेटोस उसका सिर काट दे एंड किसी ऐसे के पास ले जाए जो ओल्ड मैजिक से उसका सिर को रिवाइव कर सके। एंड बिल्कुल सही, यहाँ पर हम फिर फ्रेया के बारे में सोचते हैं एंड क्रेटोस सिर काट कर फ्रेया के पास ले जाता है। तो फ्रेया के पास पहुंचते ही फ्रेया एट्रेयस के ग्रीन एरोस को जला देती है एंड कहती है कि ये श्रापित एरोस हैं एंड बदले में अपने एरोस दे देती है। एंड अब फ्रेया ममीर को दोबारा जिंदा करती है एंड जिंदा करते ही उस पर थूक देती है क्योंकि वो ममीर को पहले से ही जानती थी। एंड यहाँ पर हमें पता लगता है कि फ्रेया एक गॉडेस है जो एक टाइम पर वैनियर गॉड्स की लीडर थी। एंड गॉड्स का नाम आते ही क्रेटोस फ्रेया पर विश्वास करना बंद कर देता है एंड वहाँ से चला जाता है। एंड रास्ते में क्रेटोस ममीर से Balder की वीकनेस के बारे में पूछता है तो ममीर बताता है कि Balder किसी भी तरह का फिजिकल या मैजिकल डैमेज नहीं ले सकता। एंड उसकी वीकनेस दोबारा पूछने पर ममीर को कुछ याद नहीं आता। एंड यहाँ ममीर को वर्ल्ड सर्पेंट की भाषा आती है एंड अब ममीर वर्ल्ड सर्पेंट से उसी की भाषा में बात करता है। एंड वर्ल्ड सर्पेंट इतने सालों में जागने के बाद सबसे पहले Thor का स्टैचू खा लेता है क्योंकि सर्पेंट और Thor की एक दूसरे से जानी दुश्मनी है। एंड सर्पेंट हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, जो हमें बताता है कि Jotunheim का ब्रिज एक्टिवेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, तो एक है रून और दूसरा है मैजिकल चिजल। तो चिजल को हिंदी में छेनी कहते हैं, जो हथौड़े के नीचे मारी जाती है। एंड यहाँ हमें चिजल चाहिए ताकि हम वो रून को ब्रिज पर काव कर सकें। रास्ते में एट्रेस ममीर को पूछता है कि फ्रेया ने उसके मुंह पर क्यों थूका, तो ममीर बताता है कि एसियर गॉड्स यानी कि एसगार्ड वाले एंड वैनियर गॉड्स यानी कि वैनियर हाइम वाले गॉड्स, इन दोनों रैलम्स ने काफ़ी सारी वॉर्स लड़ी हैं। एंड ममीर जो कि Odin का सलाहकार था, उसने सोचा कि क्यों ना इन दोनों रैलम्स के गॉड्स के बीच सुलह करा दी जाए। एंड पीस बनाने के लिए ममीर Odin को वैनियर लीडर फ्रेया से शादी करने के लिए मजबूर करता है एंड फ्रेया इसे अपने लोगों के लिए एक सेक्रीफाइस समझकर हाँ कर देती है। एंड कुछ देर के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं इन दोनों रैलम्स में एंड Odin फ्रेया का ट्रस्ट जीतकर थोड़ा सा वैनियर मैजिक भी सीख लेता है। एंड यही बात करते हम लोग मैजिक चिजल तक पहुँच जाते हैं एंड क्रेटोस ममीर से पूछता है कि ये चिजल आखिर है क्या।
तो ममीर बताता है कि थैमूर नाम का एक जायंट जो कि साइज में भी बहुत बड़ा था। एंड यहाँ पर बहुत पहले हमें एट्रेस बताता है कि सारे जायंट्स प्रजाति के लोग साइज में बड़े नहीं होते, कुछ लोग आम इंसान की तरह भी होते हैं, लेकिन उनकी प्रजाति जायंट हो सकती है। लेकिन थैमूर सच में एक बहुत बड़ा जायंट था एंड पूरी दुनिया में सबसे अच्छा स्टोन मेसन था, यानी कि पत्थर काटने वाला। एंड गुस्से में उसने अपने बेटे के सिर पर हथौड़ा मार दिया एंड उसका बेटा रात में ही घर से भाग गया। एंड दुखी तैमूर रात में योटनहाइम से मिडगार्ड पहुंच गया एंड यहां पर उसे थोर मिलता है एंड थोर ने उसे मार दिया। एंड जब वो जायंट गिरा तो वैनियर गॉड्स का टेंपल भी ले डूबा, तो ये एक तरह के थोर से एक तीर से दो निशाने थे। एंड यहां पर मैं बता दूं कि थोर एंड ओडिन की जायंट से बिल्कुल नहीं बनती है, इवन दो जायंट्स का दोनों रियल्म्स के गॉड से कुछ लेना देना नहीं है। एंड दोनों रियल्म की लड़ाई में जायंट्स किसी भी साइड पे नहीं थे, लेकिन फिर भी ओडिन के कहने पर थोर ने लगभग सारे जायंट्स को ठिकाने लगा दिया। एंड अब हम फाइनली चिजल की टिप तक पहुंचते हैं एंड ममीर हमें बताता है कि जो लोग बॉल्डर के साथ थे वो मैग्नी एंड मोदी थे। एंड कोइंसिडेंट से वो दोनों हमें ढूंढते गलती से हमारे सामने आ जाते हैं एंड दोनों हमें मारना चाहते हैं। एंड क्रेटोस बीइंग क्रेटोस वो मैग्नी को मार देता है एंड मोडी वहां से भाग जाता है, लेकिन इन सब में एट्रेस की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। एंड अब हम चिजल लेकर टियर की वॉल्ट में ब्लैक रून लेने जाते हैं। रास्ते में मीर बताता है कि ओडिन को वैनियर मैजिक सीख कर योटनहाइम पर कब्जा करने की चाह और बढ़ गई, क्योंकि वो समझता था कि जायंट प्रजाति उनके लिए एक थ्रेट है एंड ओडिन योटनहाइम के पीछे तब से ही पड़ा है। एंड अब हम टियर की वॉल्ट तक पहुंचते हैं एंड यहां पर हमें जायंट्स के द्वारा बनाया गया टियर का पैनल दिखता है जिसमें से मेन फ्रेम गायब होता है। एंड यहां पर पता लगता है कि टियर सारे रैम्स में बहुत फेमस थी एंड सबसे अच्छे गॉड्स में से एक थी, इवन की जायंट उसे बहुत पसंद करते थे। एंड ममीर के अलावा टियर को भी जायंट्स ने जादुई आंखें गिफ्ट दी थी। एंड यहाँ हम ब्लैक रून के पास पहुंचते हैं एंड यहाँ फिर से मोदी आ जाता है एंड क्रेटोस को अपने लाइटनिंग पावर से घुटनों के बल गिरा देता है एंड अट्रेस को भड़काने के लिए उसकी माँ के बारे में गलत बोलने लगता है। इतने गुस्से में अट्रेस मोदी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आउटकम आपको पता ही है। एंड यहीं अट्रेस अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड अपनी हिडन पावर्स तक पहुंचता है, लेकिन वहीं वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। एंड ये देख क्रेटोस पूरा गुस्से से भर जाता है एंड अपना स्पार्टन रेज एक्टिवेट करता है एंड क्रेटोस का सिर्फ एक पंच खाते ही मोड़ी वहां से भाग जाता है। एंड अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वो फिर से फ्रेया के पास जाता है। फ्रेया हमें बताती है ये कोई आम बीमारी नहीं है, अट्रेस को वापस ठीक करने के लिए उसे हेलहाइम के ब्रिज कीपर का हार्ट चाहिए होगा। एंड हेलहाइम का मतलब लैंड ऑफ डेड यानी कि नरक, तो ये इस माइथोलॉजी का नरक है। एंड फ्रेया बताती है कि वो जगह इतनी ठंडी है कि कोई भी मैजिक वहां पर आग नहीं जला सकता एंड क्रेटोस की एक्स भी वहां पर काम नहीं करेगी। एंड इसी के साथ फ्रेया क्रेटोस को हेलहाइम का रून देती है एंड क्रेटोस मिडगार्ड अपने घर वापस जाता है एंड वहां से ब्लेड ऑफ केओस वापस पहन लेता है। एंड रास्ते में अथीना की यादें क्रेटोस को दोबारा तंग करती हैं, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए क्रेटोस हेलहाइम पहुंचता है, वहां पर ब्रिज कीपर को मारता है और उसका हार्ट ले लेता है। एंड यहीं हमें ज्यूस भी दिखता है एंड किस्मत से इस रैलम में टाइम बहुत स्लो चलता है एंड आगे की हेल्प के लिए छोटा ड्वर्फ ब्रॉक हमारे ब्लेड ऑफ केओस में कुछ इंप्रूवमेंट्स कर देता है, तो ब्रॉक को भी एट्रेस की फिक्र होती है। एंड यहीं क्रेटोस हार्ट लेकर फ्रेया के पास वापस जाता है एंड फ्रेया क्रेटोस को समझाती है कि अब उसे एट्रेस की सच्चाई उसे बता देनी चाहिए। एंड फ्रेया हमें बताती है कि उसका भी एक बेटा है एंड प्रोफेसी के हिसाब से उसके बेटे की एक नीडलेस डेथ होनी है एंड अपने बेटे को बचाने के लिए फ्रेया वो सब करती है जो एक माँ कर सकती है। एंड यहीं फ्रेया अट्रेस को बिल्कुल ठीक कर देती है एंड ठीक होने के बाद क्रेटोस अट्रेस को बता देता है कि वो एक गॉड है। I'm a god boy from another land far from here. When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is, I was born a god, and so were you. एंड अब क्रेटोस एंड एट्रेस दोबारा वॉल्ट में पहुंचते हैं ब्लैक रून लेने के लिए एंड इस बार वो सक्सेसफुली रून हासिल कर लेते हैं। एंड अब वो लोग योटनहाइम के ब्रिज तक दोबारा चोटी पर जाते हैं एंड रास्ते में मोड़ी फिर से मिलता है एंड एट्रेस को जब से अपने गॉडहुड का पता लगा है तब से वो बहुत घमंडी हो जाता है। एंड मोड़ी जो पहले से ही थोर से बुरी तरह पिटा हुआ है उसे बगैर क्रेटोस की इजाजत के मार देता है एंड आगे सिंड्री को भी खरी खोटी सुना देता है। Those things are accurate. Your point? It's all you ever talk about, over and over. Do something about it or shut up or it. I see. Yeah! We're sick of hearing about little people's little problems! आगे क्रेटोस उसे समझाता है कि वो अपने गॉडहुड को इतना सर पर ना चढ़ाए एंड गॉड्स को मारने के बहुत सारे गलत नतीजे हो सकते हैं
एंड ये सब तनाव के बीच हम लोग फाइनली चिजल एंड रून के साथ टॉप तक पहुंच जाते हैं एंड योटनहाइम के ब्रिज को एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर बोल्डर फिर से आ जाता है एंड बोल्डर को मारने के चक्कर में क्रेटोस वो लास्ट ब्रिज भी तोड़ देता है एंड क्रेटोस के अट्रेस को मना करने पर कि वो बोल्डर को नहीं मार सकता, अट्रेस क्रेटोस को ही अपना शॉक तीर मार देता है एंड बोल्डर पर चाकू से हमला कर देता है। लेकिन बोल्डर वही चाकू अट्रेस को मार देता है एंड उसे ड्रैगन पर ले जाता है एंड यहाँ बोल्डर अट्रेस को एसगार्ड ओडिन के पास ले जाना चाहता है एंड क्रेटोस बिल्कुल भी बोल्डर का पीछा नहीं छोड़ता एंड जैसे ही बोल्डर एसगार्ड के लिए ट्री ऑफ लाइट को लॉकडाउन करता है, क्रेटोस उस सीक्वेंस को अपने बायफ्रोस्ट डालकर बिल्कुल उल्टा देता है एंड तीनों हेलहाइम में पहुंच जाते हैं। एंड अब योटनहाइम जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है, लेकिन ममीर कहता है कि वो कुछ पता लगा सकते हैं अगर वो हेल से बाहर निकले एंड इस नरक में अट्रेस को अपनी तंग करने वाली यादें स्मोक के फॉर्म में दिखती हैं एंड ममीर बताता है कि हेल में दोषियों को तंग करने के लिए ऐसी याचनाएं दी जाती हैं ये जाने बगैर कि आदमी जिंदा है या फिर एक स्पिरिट है। एंड यही हमें बोल्डर की यादें देखने को मिलती हैं एंड पता लगता है कि बोल्डर फ्रिया का ही बेटा है एंड बोल्डर को मरने से बचाने के लिए फ्रिया ने ही उसे किसी भी फिजिकल और मैजिकल चीज से इम्यून कर दिया था एंड इसी जादू के साथ बोल्डर पेन, ठंडा, गर्म कुछ भी फील नहीं कर सकता एंड यही बोल्डर और फ्रिया के बीच तनाव का कारण बनते हैं क्योंकि बोल्डर समझता है कि फ्रिया ने उससे बहुत ही कीमती चीज उसे छीन ली है विदाउट उसकी मर्जी के, तो बोल्डर फ्रिया को मारना चाहता है। एंड आगे हेलहाइम में हम ओडिन के हिडन चेंबर तक पहुंच जाते हैं एंड हमें यहाँ टीयर के बारे में वो गायब हुआ हुआ फ्रेम दिखता है एंड क्रिएटर्स के बताने पर कि यहाँ पर ममीर की आंखों जैसी ज्वेलरी है, तो ममीर उस फ्रेम को देखता है तो वहीं पर हिडन पैनल सामने आ जाता है एंड इसी पैनल पर एक की के बारे में प्लान्स है जो ममीर समझ जाता है एंड हमें हमारी लास्ट होप मिलती है योटनहाइम जाने की। एंड क्रिएटर्स के पूछने पर कि ये की हम कैसे बनाएं, तो ममीर ब्रॉक एंड सिंड्री की तरफ इशारा करता है एंड अब मिडगार्ड की तरफ ट्रैवल करते समय क्रेटोस समझ जाता है कि ममीर को बोल्डर की वीकनेस के बारे में क्यों नहीं पता, क्योंकि फ्रेया ने ममीर पर जादू कर रखा है अपने बेटे को बचाने के लिए। जब भी क्रेटोस ममीर से बोल्डर की वीकनेस के बारे में पूछे, ममीर को कुछ याद नहीं आता एंड इसी से क्रेटोस को पता लग जाता है कि हाँ सच में बोल्डर में कोई ना कोई वीकनेस तो है। एंड वहीं ब्रोक एंड सिंड्री अट्रेस की बातें सुन अपना झगड़ा सुलझा लेते हैं एंड क्रेटोस एंड अट्रेस के लिए वो की बना देते हैं एंड ये की टीयर के हिडन चेंबर पर लगती है एंड यहीं हमें न्यू रून देखने को मिलता है जो कि ट्री ऑफ लाइट के नीचे बिल्कुल योटनहाइम टावर जहां पर होना चाहिए वहां पर होता है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए क्रेटोस एंड अट्रेस को टीयर के हॉल में अपसाइड डाउन सिंबल दिखता है एंड क्रेटोस टेम्पल के मिडिल पार्ट को ऊपर से नीचे पूरा घुमा देता है एंड बाद में पता लगता है कि टेंपल अपसाइड डाउन होने के लिए ही बना था एंड यहीं हमें वो मिस्टीरियस रून मिलता है जो कि असल में एक यूनिटी स्टोन है एंड इससे ममीर उस फ्रेम में सारी बातें समझ जाता है एंड वो क्रेटोस को समझाता है कि ये स्टोन रैलम्स बिटवीन द रैलम्स में यूज होना है एंड क्रेटोस इसे ब्रॉक के दिए हुए की ऑफ यागड्रिसिल वाले रैलम के अंदर यूज करता है जो कि एक बंदे को दूसरी जगह एज अ शॉर्टकट ले जाने के काम आते हैं जो कि एक रैलम बिटवीन द रैलम है। क्रेटोस एंड अट्रेस इस रैलम से जंप करते हैं एंड यूनिटी स्टोन अपना काम करता है एंड हमें योटनहाइम टावर मिल जाता है। यूनिटी स्टोन को टावर में लगाने के बाद टावर खुद ब खुद टीयर्स टेम्पल तक मिडगार्ड पहुंच जाता है एंड वहीं पोजीशन पर आता है जहां पर योटनहाइम टावर मिसिंग था। लेकिन अभी भी योटनहाइम का सफर पूरा नहीं हो सकता क्योंकि इस रैलम का ट्रैवल रूइन कुछ और ही है एंड ममीर इसे टीयर्स का लास्ट टेस्ट कहता है एंड लाइट की रिफ्लेक्शन देखते ही ममीर समझ जाता है कि टीयर अपनी आंखों का इस्तेमाल करती होगी लाइट को दोबारा गेट पर रिफ्लेक्ट करने के लिए जो कि टीयर का लास्ट फेल सेफ है। एंड यही सुन अट्रेस भी ममीर को कहता है कि तुम्हारे पास भी तो सेम आईज हैं, लेकिन ममीर के पास सिर्फ एक ही आंख होती है एंड ममीर बताता है कि उसकी दूसरी आंख ओडिन ने बहुत पहले ही निकाली थी क्योंकि वो ऐसे ही ट्रैवल ना कर सके इसलिए। एंड ओडिन ने वो आइस कहाँ छुपाई है इसका किसी को भी नहीं पता, लेकिन ममीर समझता है कि शायद ब्रॉक एंड सिंड्री को उसकी आइस का पता हो एंड ब्रॉक एंड सिंड्री से पूछने पर पता लगता है कि उन्होंने वो आइस थॉर के स्टैचू में रखी थी जो कि वर्ल्ड सरपेंट पहले ही निगल जाता है। एंड इसी बात पर ममीर सरपेंट से फिर बात करता है एंड सरपेंट तीनों को माउथ के अंदर जाकर उस स्टैचू की डिब्री देखने की इजाजत दे देता है एंड क्रेटोस एंड क्रू सरपेंट के पेट के अंदर जाते हैं एंड लकीली उन्हें वो आई मिल जाती है। लेकिन यहीं बोल्डर सरपेंट पर फिर हमला कर देता है ताकि वो सबको सरपेंट के पेट के अंदर ही मार दे, लेकिन सरपेंट दोनों को बाहर फेंक देता है एंड यहीं पर फ्रेया भी आ जाती है अपने बेटे को ढूंढते एंड यहीं बोल्डर भी फ्रेया से दोबारा मिलता है
एंड फिर से उसको मारना चाहता है, लेकिन क्रेटोस उसे वहीं रोक देता है एंड क्रेटोस और बोल्डर फिर से लड़ने लगते हैं एंड फ्रेया दोनों को लड़ने से रोकने के लिए अपना वैनियर मैजिक इस्तेमाल करती है एंड 3-4 बार मैजिक इस्तेमाल करने के बाद बोल्डर उस मैजिक से बच निकलता है, लेकिन क्रेटोस इन वाइन्स की चपेट में आ जाता है एंड हेल्पलेस क्रेटोस को बचाने के लिए एट्रियस बीच में खड़ा हो जाता है एंड बोल्डर एट्रियस की छाती पर बहुत जोर का मुक्का मारता है। No, Atreus, you're bleeding. Breathe, boy. Breathe. Not my blood. What is this? I can feel this. एंड हमें पता लगता है कि एट्रियस के मिसल्टो एरो का हिस्सा बोल्डर के हाथ में घुस जाता है, जिससे कि फ्रिया का स्पेल उसकी इनवल्नरेबिलिटी टूट जाती है एंड अब वो मारा जा सकता है। एंड ये देख फ्रेया अपने बेटे को बचाने के लिए थैमूर द जायंट का डेड शरीर कंट्रोल कर इस लड़ाई को रोकना चाहती है एंड अपने बेटे को हारते देख वो थैमूर की फ्रीजिंग ब्रेथ का इस्तेमाल करती है, जिससे क्रेटोस एंड एट्रियस 2-3 मिनट में ही जम सकते हैं। लेकिन एट्रियस एक प्रोडिजी होने के कारण एशियंट भाषा में सरपंट को दोबारा आवाज लगाता है। Boy. Well done, boy. एंड वर्ल्ड सरपेंट थैमूर को वहीं रोक फ्रेया को बाहर फेंक देता है एंड बोल्डर अभी भी अपनी जिद एंड पागलपन के कारण अपनी माँ को मारना चाहता है एंड फ्रेया भी एक माँ होने के कारण बोल्डर को उसे मारने की आज़ादी दे देती है ताकि वो अपनी जिंदगी में खुश रह सके। लेकिन एट्रियस के कहने पर क्रेटोस को अपना पास्ट याद आता है। Must be better than this. एंड यहीं अपने बेटे को मरा देख फ्रेया क्रेटोस से बहुत ज्यादा नाराज होती है एंड एट्रियस को क्रेटोस की पिछली सारी सच्चाई बताने की धमकी देती है। Boy, listen close. I'm from a land called Sparta. I made a deal with a god that cost me my soul. I killed many who were deserving. And many who were not. I killed my father. That was your father in hell. Is this what it is to be a god? Is this how it always ends? And अब क्रेटोस एंड एट्रियस वन लास्ट टाइम योटनहाइम की तरफ दोबारा कदम बढ़ाते हैं एंड इस बार वो सक्सेसफुली योटनहाइम का गेट खोल लेते हैं एंड यही ममीर उसे टेंपल के अंदर छोड़ने के लिए कहता है एंड रास्ते में वो अपने कलाइयों से अपनी पट्टियां हटा देता है जो उसने एट्रियस से अपनी चेन्स छुपाने के लिए बांधी थी। एंड अब क्रेटोस एट्रियस को बताता है कि उसके पास छुपाने के लिए अब कुछ भी नहीं है एंड ये कहते ही क्रेटोस एट्रियस को उसकी माँ की अस्थियाँ पकड़ा देता है जो कि वो पूरे रास्ते में पकड़ना चाहता था क्योंकि अब क्रेटोस समझता है कि एट्रियस इस काबिल हो चुका है। एंड क्रेटोस एंड एट्रियस योटनहाइम में जाते हैं एंड वहाँ पर उनको पता लगता है कि जो भी रिमेनिंग जायंट्स थे वो सब मर चुके हैं एंड वहाँ पर सब हादसों की बिल्डिंग्स एंड नकाशी है एंड ऐसे ही एट्रियस के एक वॉल को हाथ लगाने पर उनका पूरा सफ़र वॉल पर कार्व हो जाता है एंड यहाँ पर एट्रियस को उसकी माँ फे भी नज़र आती है जो कि पता लगता है कि फे भी एक जायंट थी एंड उसको ये सब होना है ये सब पहले ही पता था एंड वहाँ पर एट्रियस एंड क्रेटोस बोल्डर को मारेंगे ये सब पहले ही प्रिडिक्टेड होता है। तो यानी फे को फ्यूचर विजन्स भी दिखती थी और उसे पता था ये सब होना है इसीलिए उसने ऐसी विश मांगी। एंड यहीं देख एट्रियस भी समझ जाता है कि वो भी एक जायंट है एंड आधा गॉड है एंड क्रेटोस को भी अभी पता लगता है कि फे एक जायंट थी एंड एट्रियस पहाड़ी की चोटी की तरफ चला जाता है एंड क्रेटोस को एक चद्दर के नीचे छुपी कार्विंग दिखती है जो कि देखने पे लगता है कि क्रेटोस मर चुका है एंड एट्रियस के मुंह से सांप जैसा कुछ क्रेटोस की बॉडी में जा रहा है। लेकिन क्रेटोस इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता एंड पहाड़ी की तरफ दोबारा चल पड़ता है एंड इसी तरह वो फे की आखिरी इच्छा को पूरी कर देते हैं। एंड यहीं पर एट्रियस बताता है कि उसका नाम इस कार्विंग पर गलत लिखा हुआ है, इस कार्विंग पर एट्रियस का नाम लोकी लिखा होता है
एंड ऐसा बोलने पर क्रेटोस उसे समझाता है कि फे ने उसका पहला नाम लोकी रखा था, लेकिन क्रेटोस ने ही उसका नाम अट्रेयस रखा। एंड यही है पूरी कहानी गॉड ऑफ वॉर 2018 की। तो यहीं पर एक हिडन एंडिंग भी है, अगर आप सारे मिशन कर क्रेटोस के घर मिडगार्ड वापस जाएंगे तो यहीं अट्रेयस को सपना आता है कि सालों बाद थॉर उनके दरवाजे पर खड़ा होता है। एंड दोनों के उठने पर अट्रेयस बताता है कि यह सपना कुछ ज़्यादा ही रियल था। एंड इसी के साथ गाइस ये स्टोरी ख़त्म होती है। एंड मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरी स्टोरी समझ आ चुकी होगी। एंड अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो या आपको कुछ ना समझ आया हो तो मैं कमेंट सेक्शन में हमेशा अवेलेबल हूँ। एंड इसी के साथ गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो पे। टिल देन सी यू।